नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि जल ही जीवन है। अगर हम लोग अपने जीवन में पानी नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष विज्ञान और हिंदू धर्म शास्त्रों में भी पानी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है और इस बात को कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में पानी से जुड़े हुए बहुत से शगुन और अपशगुन होते हैं जिसका व्यक्ति के आने वाले भविष्य पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे पानी से जुड़े हुए ऐसे ही अपशगुन के बारे में जो कि आपके जीवन में कई तरह के बड़े बदलाव करता है और आपके जीवन में आपको कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आप सब लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के हाथ से पानी का ग्लास या लोटा छूट जाता है तो इसे एक अच्छा शगुन माना जाता है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में जल्द ही आप लोगों के घर में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। लेकिन अगर आपके घर में आपकी पानी की टंकी से बार बार पानी टपकता है या फिर आपके घर में पानी की लीकेज है तो इसे शगुन शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता और यह अपने आप में एक अपशगुन होता है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में फिजूल खर्ची बढ़ने वाली है। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप लोग सुबह सुबह उठ करके खाली बाल्टी देखते हैं तो ये भी आपके जीवन में धन हानि का एक संकेत होता है और इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहेगी। इसीलिए ज्योतिष विज्ञान में इस बात की सलाह दी जाती है कि बाथरूम या फिर घर में हमेशा ही पानी की बाल्टी भरी हुई होनी चाहिए। अगर आपके घर में पानी की बाल्टी हमेशा भरी हुई रहती है तो ये आपके घर में धन आने का एक संकेत माना जाता है और इस बात की ओर इशारा करता है कि जो भी धन आपके घर में आएगा वो स्थायी तौर पर आपके घर में बना रहेगा।